हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमारे सामने है दिस ब्यूटीफुल मशीन, दैट इज़ सुजुकी वी स्टॉर्म 250। और आज हम इसका ओनरशिप वीडियो करने वाले हैं। इसके जो ओनर हैं हमारे जावेद भाई हमारे सामने हैं। और जावेद भाई ने इस बाइक से उत्तराखंड की राइड कर रखी है, नेपाल की राइड कर रखी है। नेपाल की राइड में तो हम भी आपके साथ थे, साथ थे हम दोनों साथ। हाँ, तो इस बाइक का आज हम ओनरशिप वीडियो करने वाले हैं और इनसे जानेंगे कि इस बाइक को ओन करते हुए इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, इस बाइक का परफॉर्मेंस क्या है, माइलेज क्या है, सर्विस कॉस्ट क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आती है, ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जावेद भाई, ये बताइए कि जब आप ये बाइक लेने वाले थे तो क्या आपने पहले से पसंद कर लिया था कि और भी बाइक्स देखी थी एडवेंचर बाइक्स? एडवेंचर में तो देखिए बहुत काफ़ी टाइम से जो है रुचि रही है एडवेंचर में। ठीक है, अभी बड़ी कुछ बाइक्स बड़ी कॉस्टली हैं। जी जी जी, जैसे ट्रायम्फ की टाइगर है या बनेली है जी, और बाकी कुछ इस रेंज की बाइक्स हैं जी। तो इस रेंज की बाइक में जब मैं इसको देखने गया फर्स्ट टाइम, जब हमने देखा इसको जो है शोरूम में जी, तो उसी टाइम मैंने जो है लेने का फैसला किया और हैंड टू हैंड लेके आया, क्योंकि इसमें सारी खूबी है जो एक छोटी एडवेंचर बाइक में होना चाहिए जी जी, वो सारी खूबी इसके अंदर है जी। और एक लेने की बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि सुजुकी एक बहुत बड़ा नाम है एडवेंचर के अंदर। हाँ, इसके मिड सेगमेंट में जो इसके गाड़ियाँ आती हैं काफ़ी उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, इसके इंजन भी काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड होते हैं। जी जी जी। ओके जावेद भाई, ये बताइए ये आपको इसकी कॉस्ट कितनी थी, ये आपको कितने रुपये में? ये ऑन रोड वही लगभग 2.5 लाख रुपए की। 2.5 लाख रुपए इसका? अच्छा, ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल रहे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो कैश में लिया होगा। जी जी जी। हाँ, तो अगर आप ईएमआई में लेना चाहते हैं तो ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं जी। अच्छा, इस बाइक से आप अभी तक कितना ट्रेवल कर चुके हैं? अभी मैंने इसको लगभग जो है 7000 किलोमीटर चलाया है। 7000? और इस 7000 किलोमीटर में मुझे जो है कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने इसको खूब ऑफ रोड चलाया, ऑन रोड भी चलाया। हाँ, जैसे ऑफ रोड तो आप नेपाल उत्तराखंड वगैरह दो दो तीन तीन बार कर चुके हैं। तीन बार कर चुके हैं जी। हाँ, तो कभी कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आई। अच्छा, कितने साल हो गए इसको? अभी एक साल नहीं हुआ है, होने वाला है। अच्छा, एक साल अभी नहीं हुआ? जी जी, अब अच्छा, होने वाला अच्छा है। एक साल में करीब 7000 काफी है किसी बाइक को समझने के लिए। आई थिंक 7000 बहुत होता है, बहुत होता है, बहुत होता है। अच्छा अच्छा, जैसे आप लंबे पर भी वो टूर करते हैं, जैसे लंबे लंबे राइड करी हैं आपने जी जी, तो मैक्स आपने इसको कितनी दूरी वन टाइम में, जैसे सिंगल स्ट्रेच में कितना किया है? 600 किलोमीटर। 600 कहाँ से कहाँ गए थे आप? लखनऊ से अपना काठमांडू। लखनऊ से काठमांडू 600 किलोमीटर। अच्छा, 600 किलोमीटर में कितनी टॉप स्पीड इसको ले जा चुके हैं आप? 145 किलोमीटर। तो 145 किलोमीटर तो आई थिंक कि काफ़ी ज्यादा, बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, इसमें एक बहुत खास बात जो इसकी है, इसमें मोटो जीपी टेक्नोलॉजी का जो है यूज़ किया गया। अच्छा, इंजन में? इंजन में वो टॉर्क को एकदम बढ़ाती है। हाँ हाँ, जिससे जो है जब ये रोड पे होती है तो अलग तरीके का परफॉर्म करती है और ऑफ रोड पे होती है तो अलग तरीके का करती। अच्छा, मतलब ये कंडीशन वाइज जिस हिसाब से टेरेन होता है उस हिसाब से इसका इंजन जो होता है वो परफॉर्मेंस उस हिसाब से बढ़ाता है और घटाता है। ट्यून कर लेता जी, है। बिल्कुल ट्यून करता है। अच्छा अच्छा, 145 किलोमीटर में तो आई थिंक काफी ज्यादा हो गया, तो वाइब्रेशंस वगैरह? कोई वाइब्रेशन नहीं। 145 कोई सबसे अच्छी बात है, कोई वाइब्रेशन नहीं। इसमें दो सैडल बैग थे और सारा सामान, सब कुछ, सारी चीजें थी, उसके बाद भी इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, तो ये तो मतलब इसका इंजन काफी ज्यादा रिफाइंड करा गया, बहुत ज्यादा रिफाइंड में। अगर आपको इस सेगमेंट में इससे ज्यादा रिफाइंड इंजन मैंने नहीं देखा। अच्छा जावेद भाई, ये बताइए, जब जैसे कि आप इतने 145 किलोमीटर पर आर की स्पीड में चल रहे होते हैं, काफी ज्यादा होती है, तो हीटिंग इश्यूज भी आते हैं क्या? जैसे कि एक तो हीटिंग इश्यूज हो गया, सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप हाई स्पीड में होते हैं जी, और आपके साथ बैग और बैगेज सब लगे होते हैं जी, तो सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है वो होता है कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग का जी, बिल्कुल जी, जैसे हाईवे पे आप, तो इसका जो कंट्रोलिंग सिस्टम है, ब्रेकिंग सिस्टम है, ब्रेकिंग हाँ, बहुत एडवांस और बहुत ही अच्छा है, बहुत बैलेंसिंग। ये बाइक डुअल चैनल एबीएस आती है। जी जी, डुअल चैनल एबीएस है ये, और बहुत ही अच्छा कंट्रोल करती है। कंट्रोल अच्छा। आपने कितनी मैक्स स्पीड में ब्रेक मार के इसको चेक किया है? वो तो देखिए, ऑफिशियली जब आप 140
या 145 चला रहे हैं तो कई बार आप ओवरटेक करते हैं, कई बार जो है आपको कट मार के निकलना होता है, उस टाइम पर ब्रेक का यूज होता है। जी जी जी, तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, स्किड वगैरह नहीं? नहीं नहीं, स्किड नहीं, एबीएस है तो ऑब्वियसली एबीएस है। दूसरी चीज बहुत अच्छी बात है कि टायर इतने ज्यादा ग्रुप वाले हैं, आई थिंक इसके टायर जो है 140/70 सेगमेंट के, तो काफी वाइड टायर है इसके जो है, देख रहा हूँ काफी वाइड टायर है, काफी वाइड टायर। तो इस सिटी में ये चलते हुए जैसे बहुत ज्यादा जाम वगैरह अक्सर हो जाता है, उसमें हीटिंग का कोई इशू नहीं? हीटिंग का इसमें कोई इश्यूज नहीं, बस ये है कि जब आप बहुत ज्यादा ट्रैफिक में होते हैं तो थोड़ा सा हाइट ज्यादा है बाइक की, सीट की हाइट, पैर आप डिपेंड करता है आप कितने हाइट वाले हैं। जी जी, अगर जी। कम हाइट वाले हैं तो बस थोड़ा सा वही प्रॉब्लम आती, पैर बार बार जमीन में लगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं। जैसा कि मैं देख रहा हूँ इसकी जो सीट हाइट है वो 835 mm की है, 835 mm मेरी जो हाइट है जी 5 feet करीब 6 inch या 7 inch के आसपास, तो मेरे टो ही आते हैं जमीन पे, तो इसका मतलब अगर थोड़ी सी हाइट कम है तो उनको थोड़ी सी दिक्कत सिटी वगैरह में कर सकती है, सिटी में कर सकती है, 5-6 से अगर कम है तो सिटी में थोड़ा सा उनको, क्योंकि बार बार जैसे ब्रेक लेना पैर लगाना फिर आगे बढ़ना रुकना बढ़ना ये, हाँ तो सीट हाइट इसकी 835 mm, तो अगर 5-6 से कम है तो थोड़ा सा वहाँ पर करना पड़ेगा, बाकी कंट्रोल। ये इसलिए है कि देखिए एडवेंचर बाइक में अगर हाइट कम होगी सीट की तो फिर आपको ऑफ रोडिंग में प्रॉब्लम दिक्कत आएगी। इसलिए कई बार ये एडजस्टेबल भी है और ऊंची हो जाएगी। अच्छा, ये एडजस्टेबल भी? जी जी, इसको सबसे लो पे लगा रखा है अभी। अच्छा अच्छा, ये थोड़ा सा और ऊपर, हाँ इसके मैक्स आई थिंक वही 835 mm, जैसा कि स्पेसिफिकेशंस में मैंने देखा था, तो 835 ग्राउंड क्लियरेंस में तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा, बढ़िया, कोई दिक्कत कहीं भी पहाड़ों में कुदाई या कहीं पहाड़ में, तो देखा आपने किस तरह से चलती है। अरे हम तो आपके नेपाल वाली राइड पे साइड में साथ ही साथ रहे हैं, सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही थी। जी 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 जी। अच्छा, इसके साइडलिंग भी आप काफी कर रहे थे, मतलब जैसे ऑफ रोड होती तो साइडलिंग वगैरह करते, खड़े होकर काफी दूर चला देखते हैं। जी जी, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, खड़े होके ही चलाने के लिए ये फुटरेस इसके जो है, आप देख रहे हैं ना, ये इसीलिए बनाए गए कि जो है काफी स्ट्रॉन्ग, जब हाँ आप ऑफ रोडिंग करें तो इसको खड़े होके आराम से चला, हाँ काफी स्टडी भी है, मजबूत भी है, बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत। ये बताइए कि जब आप हाई स्पीड में चलते हैं तो इस बाइक स्टेबिलिटी, मतलब जो इसकी ग्रिपिंग बढ़िया रोड से, बढ़िया स्टेबिलिटी रहती है, हाँ। और बढ़िया ग्रिपिंग रहती है, कोई इसमें ट्रैक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ओके आराम से चलती है। अच्छा, इसका जो सस्पेंशन है तो सस्पेंशन इसका कैसा वो करता कि बहुत ज्यादा हार्ड साइड पर है या मीडियम? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सस्पेंशन देखिए, जो इसके पीछे वाला जो है बैक साइड वाला, बैक साइड वाला वो थोड़ा शॉक है, मोनोशॉक सस्पेंशन है ये, थोड़ा सा हार्ड है, हार्ड है। और आगे का फ्रंट में बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब ऑफ रोडिंग वगैरह कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पीछे थोड़ा हार्ड कहूंगा इसको। बाइक में जो हेडलैम्प है ये एलईडी है या फिर एलईडी हेडलैम्प है? एलईडी हेडलैम्प, हैलोजन नहीं है। तो एलईडी में कैसी विजिबिलिटी, कैसी रात में जब चलते हैं तो विजिबिलिटी कैसी होती है? ठीक है, रात में बहुत अच्छी विजिबिलिटी है इसकी, हाँ। नहीं, सिटी में तो सही है, जैसे क्या होता है ना, जब हाईवेज वगैरह पे चलते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। इसका लो बीम है, हाँ। वो तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो हाई बीम है, हाँ। जब कभी कभी आपको हाई बीम यूज करने की जरूरत पड़ती है, हाँ। तो बड़ा अच्छा, अच्छा बहुत अच्छी रहती है, मतलब पहाड़ों में चल रहे हैं तो वहाँ पे ऐसी दिक्कत तो नहीं आती कि आपको ऑक्स लाइट अलग से लगानी पड़े? नहीं, मुझे तो नहीं आई है। अच्छा। और काफी चला भी दी मैंने पहाड़ों में, नाइट में भी चलाई है, कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। इस बाइक की जैसे सीट मैं देख पा रहा हूँ काफी वाइड है जी, और कुशनिंग भी ठीक है जी, तो इसका सीटिंग कंफर्ट कैसा है? सीटिंग कंफर्ट देखिए इसका बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ में एक शर्त यह है कि आप अकेले हो। अकेले, मतलब अगर कोई पिलियन के साथ राइड कर रहा है तब तो दिक्कत हो जाती है, तो उतना मतलब कम्फर्ट नहीं फील होता है, तब कम्फर्ट नहीं फील होगा। ओके, एक्चुअली ये बाइक सारी होती है इस टाइप की जो है वो सिंगल के लिए होती है जी जी, अब लेकिन डबल बैठे हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आप मजा नहीं लेते। अच्छा, इस बाइक का माइलेज आपको कितना मिल जाता है? सिटी में क्या मिल जाता है? सिटी में देखिए जो है पहाड़ों में क्या मिल जाता है? माइलेज बहुत खराब नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं है। माइलेज सिटी में ये वही आपका 30 के आसपास निकालती है, 30 के आसपास माइलेज मिल जाता है, 25 से 30 के बीच। वो डिपेंड करता है ट्रैफिक कंडीशंस पर, कि अगर ट्रैफिक कंडीशन बहुत ज्यादा हाई, आप कैसे चला रहे हैं? जी जी हाँ, वही आपकी राइडिंग स्किल क्या है उस हिसाब से, कोई बहुत ज्यादा रेव करके चलाते हैं, कोई एक उसमें अच्छे पेस में चलते हैं, जी जी जी, बस उसी हिसाब से डिपेंड करता है। और हाईवेज पर आई थिंक हाईवे पे तो अच्छा होगा, थोड़ा सा अच्छा है, 40 तक जाता है, 40 तक मिल जाता है हाईवेज पर जी। अच्छा, ये बताइए जैसे इस बाइक को जब पहाड़ों में अगर ले जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, काफी कर्व वगैरह होते हैं जी, तो एक तो सीट हाइट भी ज्यादा होती है जी,
और आई थिंक इसकी लेंथ भी थोड़ी सी ज़्यादा है जो नॉर्मल गाड़ियाँ हैं उनसे ज़्यादा है, तो आपको जैसे टर्न करने में कोई ऐसी दिक्कत आती है? नहीं, जैसे फिर, बार बार जो फिर वही बात आएगी कि टर्न करने में अगर आप दो लोग हैं पिनियंस है पीछे और तो दिक्कत आएगी। अब आप अगर सिंगल हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिंगल में मतलब स्मूथली हो जाता है, कंट्रोलिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। हम लोग तो काफ़ी टर्न करते हैं, हम लोग तो बहुत झुका झुका के इसको टर्न करते हुए आए, यहाँ तक कि ये फुटरेस भी लग जाती है नीचे। तब भी कोई दिक्कत तो नहीं आई। हाँ, मैं देख रहा था कि आप काफी पहाड़ों में मजे लेके राइड कर रहे हैं। जी। तो कभी कोई दिक्कत तो आई नहीं। इस बाइक को जैसे कि आप जब चलाते हैं तो इसका पिकअप वगैरह कैसा है, जैसे कि क्या बहुत ज्यादा पंची है या कि बहुत स्मूथ लीनियर हो जाता है? नहीं, स्मूथ लीनियर तो नहीं कहेंगे इसमें, बहुत ज्यादा पंची ही कहेंगे, पंची है। अगर हम इसके पावर फिगर की बात करें तो 26.5 पीएस का पावर है और टॉर्क भी 22.2 एनएम का टॉर्क है, तो आई थिंक ये पावर फिगर्स तो काफी ज्यादा, इसीलिए इसका स्पोर्ट पिकअप भी जो है बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अगर राइड कर रहे हो हाईवेज वगैरह मिल जाए तो काफी जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल रॉकेट हो जाती है, रॉकेट बन जाती है, रॉकेट इन पॉकेट, रॉकेट इन पॉकेट। यार भाई ये बताइए कि आपने बहुत सारी चीजें इस बाइक की अच्छाइयां बहुत सारी बता दी, कुछ इसमें कमियां भी आपको दिखी होंगी, उस पर भी कुछ कमियां हमने आपको बताई? एक कमी तो हमने बताया आपको, जो पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन, मतलब बेसिकली इसका जो हार्डर साइड पर हार्ड, और कुछ ऐसी दूसरी चीज, अगर खूबसूरती में थोड़ा सा कमी रह गई जी, जो इसके ये इंडिकेटर है ना, ये अभी जो आजकल जो इंडिकेटर आ रहे हैं बाइक में एलईडी वाले, वो नहीं है इसमें, ठीक है। और दूसरी चीज, थोड़ा सा यहाँ पर जो है खालीपन सा और महसूस होता है। अच्छा, थोड़ा हेवी विंड स्क्रीन होना चाहिए, हाँ, थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, ये मिरर, हाँ एक चीज और बताइए, ये जो मिरर बहुत सिंपल विजिबिलिटी, विजिबिलिटी कैसी? विजिबिलिटी ठीक है, लेकिन बहुत सिंपल से ये, हाँ नहीं नहीं सिंपल तो है, क्योंकि क्या होता है कि अगर बाइक में छोटे मिरर्स होते हैं जी, तो उसमें भी थोड़ी सी विजिबिलिटी में दिक्कत आ जाती है, बार बार आपको शिफ्ट करना पड़ता है, या एल्बो पोर्शन होता है थोड़ा सा ये कवर कर लेता है, तो इसमें ऐसा है क्या, विजिबिलिटी वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, विजिबिलिटी विजिबिलिटी काफी क्लियर है। जाद भाई, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपने इस बाइक में काफी ज्यादा एक्सेसरीज लगवा रखी हैं जी, तो इसमें एक्सेसरीज में क्या क्या चीज है, जैसे कि ये नकल गार्ड है? नहीं, नकल गार्ड तो स्टैंडर्ड फिटमेंट है, ये विंड स्क्रीन सब स्टैंडर्ड। अच्छा, और ये क्रैश गार्ड और ये सैडल स्टे, ये आपने अलग से लगवा रखे हैं? अच्छा, जैसे आप जब ये लगवाए तो इनकी क्या प्राइस आई, कितना खर्चा हो गया और क्या क्या चीजें लगवाई आपने? मैंने इसमें सैडल स्टे लगवाए हुए हैं और ये क्रश गार्ड लगवाया हुआ है जी, इसका एक टैंक बैग है, सडल बैग है, कंपास है, ठीक है, और मोबाइल होल्डर है जी, तो ये सब लगभग जो है अप्रोक्स 20,000 के आसपास लग जाता है, होता है। हाँ, तो अगर आप एक प्रॉपर टूरर बाइक, जैसा कि आप देख रहे हैं भाई की प्रॉपर टूरर बाइक है, अगर ये मॉडिफिकेशंस कराते हैं तो आपको करीब 20,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे, और उस 20,000 में आपको प्रॉपर टूरर बाइक मिल जाएगी जिसको लेकर के आप कहीं भी जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं भी जा सकते हैं, सब कुछ लग। अच्छा, इस बाइक की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है ये कितनी है? इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है 12 लीटर, 12 लीटर की है, तो 12 लीटर में ऑलमोस्ट कितना चले जाते हैं, जैसे आपको कितने किलोमीटर के बाद भरवाना पड़ जाता है? अब 12, अब आप जो है 300 प्लस ही किलोमीटर, हाँ 400 के आसपास, 400 के आसपास चले जाते हैं, उसके बाद दोबारा भरवाना पड़ता है। 400 आई थिंक ठीक है, आप 400 बहुत अच्छा है, हाईवेज पे चलते हैं तो भी आपको अगर एक जगह भरवाते हो तो बीच में बहुत सारे पेट्रोल पंप तो मिल ही जाएंगे। अभी अब कौन सी ऐसी दिक्कत है आज के जमाने में, कहीं नहीं, ना तो यहाँ प्लेन में ना पहाड़ में, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज ये बताएगा, इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जी, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाती है? इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपका नेविगेशन, टर्न बाई टर्न, और बाकी इंजन से जुड़ी भी कुछ इन्फॉर्मेशन, एबीएस से जुड़ी भी इन्फॉर्मेशन, सर्विस के लिए भी इंडिकेशन आने लगते हैं, और साइड स्टैंड का इंडिकेशन है, सारे ही हैं, वो जो ज़रूरी होते हैं वो सारे हैं इसमें। अच्छा, इसमें साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी लगा हुआ है? लगा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे, अगर हमें नहीं आता तो हमारे जावेद भाई हैं, हम इनसे पूछ के उसका रिप्लाई करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद कार्पेडियम राइडर।